कि कहे हिंदू मौलवादी संगठन त कि कहे मुस्लिम विरोधी केतेबे गांधीजी गान्धीजीको हत्या अभियोगले लगा दिया प्रतीबन्धक किंतु बहु बाधा विघ्न बाधावि अतिक्रम भारत को परम वैभवशाली गरेर संकल्प नै आगको बढिचाले यो संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ छयानब्बे वर्ष त आज पवित्र विजयादशमी तिथिले डक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ रूपी जो बीज रोपण गरि आज महाद्रुम परिणत हो विश्वर सबुठ बड़ा राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन पलटि आरएसएस भारत को विश्वगुरु बनाइबार निज लक्ष्य पथे आगे चली संघ भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है उस भारत को उस परंपरा को संस्कृति को समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल साहस तितिक्षा धैर्य ओज, शारीरिक मानसिक बौद्धिक तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है इसको समझते हुए और यह हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते संगठित रहना बल संपन्न रहना संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना यह कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि जागृत संगठित बलसंपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है यही काम तो हम करते हैं भारत के ओर से भारत के भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की उसके लिए भारत को तैयार करना अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता ललकारता हुआ अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है संघ के स्वयंसवकों की अपेक्षा इसके लिए है और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविधा पड़े सारा समाज इसके लिए अग्र हो अग्रसर हो तो भारत का भाग्य बदल जाएगा वो भाग्य बदलना है वो भारत की आवश्यकता है वो समय की विश्व की आवश्यकता है और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते क्रांति का संगीत गाते एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है क्योंकि तुष्टमा होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित बस इसी धुन में निरंतर भारत माता की जय